कि मेरे क्लाइंट गुलाम हैदर, जो कि सीमा हैदर के एक्चुअल पति हैं, उनकी माता जी का देहांत हो गया है, जैसा कि मुझे अभी खबर मिली है कि उनकी माता जी का देहांत हो गया है। प्रॉब्लम यही है सबसे बड़ी कि थोड़ा सा बोलते ही जो ना गले में खुशकी एकदम बलगम और खुशकी ऐसा अटक जाता है कि बड़ी मुश्किल हो जाती है, इसलिए ज़्यादा नहीं बोल पाता। तो दोबारा मैं आपको बता रहा हूँ कि गुलाम हैदर जो कि मेरे क्लाइंट है पाकिस्तान से, जो सीमा हैदर, उसके चार बच्चों को लेकर के नेपाल के रास्ते भारत में आ गई थी इलीगल तरीके से। सीमा और सचिन ने भी उसके बच्चों को ह्यूमन ट्रैफिकिंग की थी, जिनके खिलाफ नेपाल में भी और भारत में भी कार्रवाई चल रही है और मैं कार्रवाई कर रहा हूँ। तो गुलाम हैदर की जो माता थी, उनकी जो माँ थी, उनकी जो मदर थी, वो आज एक्सपायर हो गई है, जैसा कि मुझे खबर सुनने को मिली है। और वो मरते मरते इस बात को कह के गई है कि बच्चे वो अपने पास देखना चाहती थी, उनसे मिलना चाहती थी, लेकिन अफसोस वो उन बच्चों को मिल ना सकी, उनसे मुलाकात उसकी ना हो सकी। और वो आज बीमार भी थी, वो काफ़ी पिछले दिनों वो गिर गई थी, तो गिरने के बाद उसकी जो कमर की जो रीढ़ की हड्डी है उसमें चोट लग गई थी, तो वो उनको पैरालिसिस हो गया था, काफ़ी कमज़ोर हो चुकी थी। तो आज उनका देहांत हो गया है। तो मैं मोमिन मलिक एडवोकेट, गुलाम हैदर का वकील, एक इंसानियत के नाते लड़ने वाला, अपनी तरफ से, अपने परिवार की तरफ से, अपनी लीगल टीम की तरफ से और मेरे भारतवासियों की तरफ से, इंसानियत के चाहने वालों की तरफ से, इंसानियत के मानने वालों की तरफ से, गुलाम हैदर की माँ की आत्मा की शांति के लिए, उनकी रूह को सुकून पहुँचाने के लिए, अपनी तरफ से, अपने खुदा से, अपने परमात्मा से, अपने ईश्वर से, अपने अल्लाह से दुआ करता हूँ कि परमात्मा उनकी आत्मा को, उनकी रूह को सुकून दे, उनको जन्नत में फिरदौस अता फरमाए। और दुख की इस घड़ी में मैं, मेरी पूरी लीगल टीम, मेरे भारत के वासी, इंसानियत को मानने वाले, हमारी माएँ, बहनें, बेटियाँ, सभी लोग गुलाम हैदर के साथ इस दुख की घड़ी में खड़े हैं। और हम परमात्मा से दुआ करते हैं कि आपको इस दुख की घड़ी में, क्योंकि दुखों का पहाड़ तो गुलाम हैदर पर, ये सीमा हैदर ने पहले ही फोड़ दिया था, उसके बच्चे ले आई, हंसता खेलता घर उसका तबाह और बर्बाद कर दिया, उसको धोखा दिया, फरेब किया, उसका सामान बेच दिया, उसके बच्चे ले आई, उसको पूरी दुनिया में इसकी वजह से जलील होना था। तो दुखों का पहाड़ तो पहले ही उसके पास था, लेकिन उसी गम में जो है उसकी माँ बीमार थी, पिछले दिनों गिर भी गई थी, चोट लगी थी, तो वो आज इस दुनिया से चली गई हैं। तो इस दुख की घड़ी में हम सब लोग गुलाम हैदर के साथ खड़े हैं और ये प्रार्थना करते हैं कि उनकी माँ को अल्लाह ताला जन्नत में फिरदौस अता फरमाए और उनकी आत्मा को शांति दे। उनकी आत्मा को शांति दे और उनकी दुख की घड़ी में हम उनके साथ हैं, ये सूचना आपको देनी जरूरी थी। मुझे भी अभी टेलीफोन आया है पाकिस्तान से, तो मैंने आप सबको जानकारी देना सही समझा। आप सभी से प्रार्थना है कि आप सभी लोग उनकी आत्मा की शांति के लिए दुआ करें, मुस्लिम भाई दरूद शरीफ पढ़ के दुआ करें, हिंदू भाई उनकी आत्मा की शांति के लिए दुआ करें। उस इंसान पर मुसीबतों का पहाड़ टूटने जा रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि
मैंने बच्चों को सीमा हैदर से कस्टडी लेने के लिए ऑर्डर पास करा रखे। मैं बार बार कह चुका हूँ, मैंने बच्चों को सीमा हैदर से कस्टडी बच्चों की लेने के लिए ऑर्डर पास करा रखे। वो ऑर्डर उत्तर प्रदेश सरकार को पहुंच चुके हैं हायर अथॉरिटी लेवल पे, और उसमें बहुत ही जल्द कानूनी बच्चे के हवाले से वो कानूनी कार्रवाई होने जा रही है। लेकिन हर बात को बताना, हर बात को ऐसे लोगों को बताना जिन पे हम विश्वास नहीं करते। एक आध यूट्यूबर ऐसे हैं जो क्रेज लेने के चक्कर में और जो दूसरों से मिले हुए हैं, हम उन पे विश्वास नहीं करते, इसलिए हम उनको नहीं बता रहे हैं, ताकि हमारे केस में दुश्मन जागरूक ना हो और वो कानूनी दुश्मन जो है वो जागरूक ना हो और हमें सक्सेसफुली अपने केस में कामयाबी मिले, इस नीयत से हम नहीं बताते हैं। लेकिन ज़बरदस्ती हमसे पूछने की कोशिश की जा रही है बच्चों के हवाले से क्या किया क्या नहीं किया। हम कह चुके हैं बार बार कि हमने ऑर्डर करा चुके हैं, ऑर्डर करा के उत्तर प्रदेश सरकार को हायर अथॉरिटी को ऑर्डर भी जा चुके हैं। किसी भी पल कभी भी सीमा हैदर से वो बच्चे ले लिए जाएंगे और उन बच्चों को सरकारी निगरानी में रखा जाएगा। हम आपको बार बार कह चुके हैं, हम ये ऑर्डर करा चुके हैं, लेकिन बार बार चक्कर काट रहे हैं NCPCR में, कोई कहीं जा रहा है कोई कहीं जा रहा है, जाते रहो, हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसे लोग सिर्फ हमारे केस को ख़राब ही कर रहे हैं, हमारे केस में इंटरफेयर करने की कोशिश कर रहे हैं। हम इसमें ऑर्डर करा चुके हैं, हमने ऑर्डर अंसार बर्मी साहब को भी नहीं बताया, ना गुलाम हैदर को बताया, ना साहिब को बताया, हमने किसी को नहीं बताया, सिर्फ मुझे पता है, यहाँ तक कि मेरी लीगल टीम के एक आध सदस्य को भी पता, मेरी लीगल टीम को भी नहीं पता इसका। तो हम ऑर्डर करा चुके हैं, हो चुका है और वो हम कामयाब होंगे। हमने वादा किया पूरी दुनिया को हम इसमें कामयाब होंगे। कुछ लोग हमारे बारे में भी बकवास कर रहे हैं, इधर उधर की अफवाह उड़ा रहे हैं, तो उनको बता दूं कि शेर जब घायल होता है ना, तो वो घायल शेर सिर्फ शेर नहीं रह जाता, एक शेर की ताकत नहीं होती उसके अंदर। जब किसी शेर को आप घायल करने की कोशिश करते हो तो एक घायल शेर 100 समस्त शेरों की ताकत के बराबर होता है। तो आप उतनी अपनी चादर में पैर फैलाओ जितनी तुम्हारी चादर है, उतना ही अटैक करो जितना तुम बर्दाश्त कर सकते हो, क्योंकि जितने तुम अटैक कर रहे हो उतने अटैक को बर्दाश्त करने की ताकत भी तुम्हारे अंदर होनी चाहिए। क्योंकि जिस वक्त हमारा नंबर आएगा तो फिर तुम्हें हम नानी याद दिला देंगे, इतना ही सारा तुम्हें बोध है। इसलिए उतने ही अटैक करो जितनी तुम्हारी क्षमता हो बर्दाश्त करने की, जितनी तुम सह सको उतना बर्दाश्त करने की, उतने ही अटैक करने की हम पे कोशिश करो। हम ना झुके हैं ना डरे हैं ना बिके हैं, ना झुकेंगे ना डरेंगे ना बिकेंगे। हमें अपना लड़ना आता है, कानूनी अधिकार के लिए लड़ना आता है, हमें हर पोजीशन और सिचुएशन को टैकल करना आता है, करेंगे, ज़्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। आने वाले भविष्य में क्या होने वाला है इस बात का शायद तुम्हें अंदाजा नहीं है कि आने वाले भविष्य में क्या होगा। इसलिए अगर तुम चाहते हो तो उतने ही पैर पसारो जितनी तुम्हारी कैपेसिटी है, जितना तुम सहन कर सकते हो उतनी कार्रवाई करो। उतनी कार्रवाई ना करो कि तुम सहन ही ना कर पाओ और पजामे में हक दो। तो इसलिए इंतजार करो और देखो हम क्या करने वाले हैं। इतना आसान नहीं है किसी को नीचे गिराने की कोशिश करना, किसी पे पर्सनल अटैक करना, अपने आप को कानूनी जानकार बता करके इधर उधर की बात फैलाना और करना। ठहर जाओ, हम एक ही बात कह रहे हैं, सब्र करो। समय बहुत बड़ा बलवान होता है और जब समय की मार पड़ती है अच्छा अच्छों को नानी याद करती है। तो हम इस लड़ाई में शामिल हैं, लड़ रहे हैं और मरते दम तक लड़ेंगे दोस्तों। तो ये दुख की जानकारी आपको देनी थी। आप कोई भी उदास ना हो, हताश ना हो इस केस को लेकर के। हमने सारे ऑर्डर करा करके उत्तर प्रदेश सरकार को भेजे हुए, लेकिन इसलिए नहीं बताए कि एक लीगल चाल, एक लीगल पॉलिसी के तहत हमने नहीं बताए, वरना हम भी बता सकते हैं।
हम भी मीडिया में आ सकते थे, मीडिया में खबर ला सकते थे, हम भी यूट्यूबरों के बीच में आ सकते थे, खबर ला सकते थे, पानी दे यार। लेकिन हमने एक पॉलिसी के तहत उसको नहीं बताया। और यही कारण है, एक वकील, एक किसी भी लड़ाई को लड़ने वाला इंसान, चाहे वो आम इंसान है, वकील है, वो जानता है उसकी, उसे उस अपनी लड़ाई को कैसे लड़ना है और कैसे उसको जीतना है। ये इधर उधर की बात करने वाले, माइक लेके आज उसका इंटरव्यू, कल उसका इंटरव्यू, अरे हम कह रहे हैं हमारे केस में इंटरफेयर ही मत करो, हमें आपकी हेल्प की ज़रूरत ही नहीं है, आपको जिसका इंटरव्यू करना है आप उसका इंटरव्यू करो, आप हमारे केस में को सुधार नहीं रहे हो बल्कि आप हमारे केस को उल्टा बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हो, तो आप हमारे केस में हमें आपकी हेल्प की जरूरत नहीं, हम स्वयं देख लेंगे, आपको यूट्यूब चलाना चलाओ, आपको जहाँ इंटरव्यू करना करो, हमें आपकी हेल्प की जरूरत नहीं है, हम अपने आपको केस को देख लेंगे। हमने बर्नी साहब को भी कह दिया है कि बर्नी साहब हम इस केस को अपने आप देख लेंगे, इधर उधर की किसी की फर्जी बातों में आने की जरूरत नहीं है। उनको भी एहसास हुआ कि हाँ, उन्होंने बिना वेरीफाई किए जो है वो दूसरों की बात सुनी, उनको वेरीफाई करना चाहिए था। तो कोई इधर उधर की बात करने की जरूरत नहीं है, इस इंसान के केस को हम कर रहे करेंगे और करते रहेंगे। और जो लोग हम पे पर्सनल अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं लोगों को, तो उनको मैं बताता चलूं कि मोमिन मलिक नाम है हमारा, ध्यान रखना इस बात, पाताल में भी घुस जाओगे ना, पाताल में भी चले जाओगे तो वहां से भी निकाल के ले आएंगे आपका पता कि आप कहाँ रह रहे हो, क्या कर रहे हो, अच्छा जीवन जियो, पर्सनल इसको अटैक करने की कोशिश ना करो। और आज सीमा के सारे वो जो पर्सनल डिलीट जो पोस्ट किए थे मेरे बारे में, यूट्यूब की डिटेल रिप्लाई आ गई है मुझे, सब हटा दिए, कोई भी सीमा के चैनल को चेक कर सकता है जो मेरे बारे में पर्सनल इसने अटैक करके पोस्टिंग बनाई थी डिफेम करने के बाद, वो सारी रिमूव कर दी गई है। और इसकी चलती इसकी कमाई भी बंद होने जा रही है और ये चैनल भी सब इधर उधर होने जा रहे हैं, आप कोई भी चेक कर सकता है, चेक करें, सारे इसने यूट्यूब में हटा दिए जितनी भी पोस्ट थी। तो ये खबर आपको देनी थी। इसके साथ साथ दो बातें हमने और भी कह दी, लोगों को चेता भी दिया, जो शाना बनने की कोशिश कर रहे हैं, ज़्यादा इंटेलिजेंट बनने की कोशिश कर रहे हैं, अटैक करके घरों में खुशियाँ मनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो अटैक कर रहे हो तो उसका रिएक्शन भी ज़रूरी है, होगा उसका रिएक्शन, बड़ा ख़तरनाक रिएक्शन होगा उसका, चिंता मत करो, हम किसी के मोहताज नहीं है, रिएक्शन भी होगा। जो लोग दूसरों के घरों में आग लगाते हैं